कहीं बाहर फंस के फोन कर लेते हैं। हमारे माइंड को, हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी के कई ऐसी पार्ट्स, कोई भी चीज लिमिट में अच्छा लगता है। ड्रामा कर रही हूँ। और जी कैसे हो आप लोग, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए होंगे। चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए, सबको फेस करो और आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है गाइस। गाइस देखो, ये बात तो सबको ही पता है, फोन से नुकसान होते हैं ज़्यादा चलाने से। और आप सोच भी होगे मैं ड्रामा क्या कर रही हूँ, वैसे थंबनेल और टाइटल में मैंने लिखी दिया है कि ज़्यादा फोन चलाने से क्या नुकसान हो सकता है, तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। गाइस देखो, कोई भी लिमिट में हो वो चीज़ अच्छी है, अगर ओवर लिमिट हो जाती है तो हमारे नुकसान होता है, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य पे हो, शरीर पे हो, काम पे हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, पढ़ाई पे होगा, जो भी फलना डिगना जो भी। लिमिट में है तो अच्छा है, अगर लिमिट से ज़्यादा है तो हमारे नुकसानदायक हानिकारक साबित होता है और हो जाता है। इसे लिमिट में कोई चीज़ होनी चाहिए, फ़ोन चला रहे तो लिमिट में चलाओ। अब ये तो सबको पता, ज़्यादा फ़ोन चलाने से नुकसान होता है, लेकिन क्या क्या नुकसान हो सकता है उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। गाइस देखो, सबसे पहले बात करूँगी कि जो फ़ोन है, फ़ोन से जो एक तरह का एक तरंग निकलता है, रेडिएशन बोलते हैं, सॉरी कहना नहीं आ रहा ठीक से मुझे, वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, हमारे स्वास्थ्य पे इफेक्ट डालता है, जो कि हमारे माइंड को, हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी के कई ऐसी पार्ट्स हैं जिस पे वो इफेक्ट डाल सकता है कि बॉडी से, सॉरी हमें उस तरंग से ये नुकसान होता है। अगर मैंने फ़ोन को मान लो कि मात्र 2 मिनट चलाया, वो जो भी काम की चीज़ें देखी फिर हटा दिया, खैर पहली बात तो मैं कहूँगी मैं भी कोई 2 मिनट नहीं चलाती, मुझे जो काम की चीज़ होती है मैं उसे देखती हूँ, फिर उसके बाद मैं भी हटा देती हूँ। लेकिन अगर मान लो मैं 4-4, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा चला रही हूँ, तो वो जो तरंग है हमारे माइंड पे कितना बुरा इफेक्ट डालेगा, हमारे स्वास्थ्य पे इफेक्ट डालेगा, क्योंकि एक फ़ोन से खास तौर से ऐसी तरंग निकलती है जो हमारे सीधे ही माइंड पे, हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा इफेक्ट डालता है। अब ये मान लो कि मैं इसको इतनी देर तक चला रही हूँ, फोन चलाए जा रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा इससे, नुकसान ही तो होगा ना मेरे शरीर को, मेरे स्वास्थ्य को, मेरे दिमाग को। इसमें एक तरंग जो होती है ना, वो हमारे सीधे ही दिमाग को इफेक्ट डालता है। और गाइस आपको पता है, ज़्यादा फ़ोन चलाने से आपको कैंसर भी हो सकता है। जी हाँ, इसमें जो तरंग निकलती है वो हमारे कैंसर का कारण भी बनती है। कई ऐसे केसेस आए हैं जो बहुत ज़्यादा बहुत देर तक फ़ोन चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, उनको कैंसर तक हुआ है और आज वो कैंसर के शिकार हो गए हैं। मैं तो इतना ही कहूँगी गाइस, जो भी चीज़ें लिमिट में रहो। बाकी गाइस देखो, ये तो फ़ोन से हमारा, मान लो कि हमने फ़ोन चलाया और इससे हमारे ये सब नुकसान हो गई कि तरंग निकलते हैं बॉडी पे, शरीर पे, माइंड पे इफेक्ट हो गया। और ज़्यादा फ़ोन चलाने से और क्या नुकसान हो सकता है भाई, हम क्या करते हैं ना, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम हमारा ख़राब होता है ज़्यादा फ़ोन चलाने से, हमारी आँखें तक ख़राब हो जाती हैं ज़्यादा फ़ोन चलाने से, हमें दिखना धुंधला दिखने लग जाता है, हमारी नज़र कमज़ोर होने लग जाती है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और क्या होता है, ज़्यादा फ़ोन चलाने से क्या होता है ना कि हम उल्टी सीधी चीज़ें भी देखने लग जाते हैं, चाहे जैसे पॉर्न वीडियो होगी, गंदी चीज़ें हो गई, ये भी चीज़ें हैं। जब हमारे हाथ में छूट है, पहले नेट वो लिमिट में मिलता था, वो अनलिमिटेड मिल जाता है, तो हम और ऐसी चीज़ें, फ़ायदे भी हैं, जो चीज़ फ़ायदे में, अभी छोटे नुकसान की बात करें, ये चीज़ हो जाती है। दूसरा, आप अपने कैरियर से भटक जाते हो, जो आपका एम है, लक्ष्य है, उससे भटक जाते हो, टाइम वेस्ट, मान लो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लव रिलेशन में हो, उसे करना, दोस्त तैयारी रिश्तेदारी, उससे हमको बात करना, ये करना, मैसेज करना, चैट करना, ये करना, फेसबुक अपडेट करना, ये करना, बहुत सारी होती हैं चीज़ें, स्टोरी लगाना, रील्स बनाना, ये करना, कितनी सारा टाइम वेस्ट हो गया हमारा, जिससे कि हमारा जो कैरियर है उस पर इफेक्ट पड़ा। गाइस देखो, कोई भी चीज़ लिमिट में अच्छा लगता है। अब इससे नुकसान हो गया हमारा, मान लो ख़राब हो गया, धुंधला दिखने लगे, चश्मे लग गए, क्या फ़ायदा हुआ। अब मान लो कि प्यार मोहब्बत एक से ये सब चीज़ें इसमें पड़ गई, इसमें हमारा टाइम वेस्ट हो गया। प्यार मोहब्बत एक लिमिट में अच्छा लगता है, बातें दोस्त रिश्तेदार हर चीज़ है, एक लिमिट में अच्छा लगता है। ज़्यादा ओवर करोगे तो वो आपके शरीर को नुकसान ही देता है, फ़ायदा नहीं देता, आप अपने एम से भटक जाते हो। मैंने ज़्यादातर ऐसे देखे जो टीनेजर्स होते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं और उन पर बस कुछ पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देना, बस फ़ोन में स्टोरी लगाना, रील्स बनाना, उल्टी सीधे चीज़ें देखना, अच्छी चीज़ भी होती है गाइस। कोई भी चीज़ अगर आप फ़ोन चला ही रहे हो, अच्छी चीज़ में इस्तेमाल करो। अगर मान लो जहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैंने पॉर्न वीडियो के लिए बनाया था, और पॉर्न वीडियो देखना और उसकी वजह से अपने आप को किस किस हद तक बेकार कर लेते हैं इस फ़ोन से और लैपटॉप वगैरह से, तो होता है हम देख रहे हैं वही। अब मान लो कोई काम की चीज़ देखो, कोई बिजनेस के बारे में, कोई काम के बारे में, कोई चीज़ सीखने वाली चीज़ आप देख रहे हो, पढ़ाई लिखाई की चीज़ देख रहे हो, तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं,
कोई चीज़ को अच्छी चीज़ में इस्तेमाल करो, ना कि बुरी चीज़ में। फ़ोन हमारे लिए कहाँ अच्छा है? हाँ भाई चलो ठीक है, हमें वो खबर दे देता है, कहीं का न्यूज़ दे देता है। हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो वहाँ के बारे में हमारे घर वालों को चिंता नहीं होता, दो मिनट फ़ोन कर लेते हैं। हम कहीं बाहर फंस के फ़ोन कर लेते हैं, दुनियादारी में क्या चल रहा है वो हम सीख सकते हैं। कोई चीज़ हम अपने काम से रिलेटेड कोई चीज़ सीख सकते हैं, यहाँ पर अच्छी चीज़ है वो। लेकिन गंदी चीज़ें कहाँ पर? ओवर लेवर चलाना, ये करना, टाइम वेस्ट करना, ये करना। अगर आप में भी ऐसी आदतें हैं तो गाइस अभी से सुधर जाओ, बाद में दिक्कत आएंगी। स्वास्थ्य पे भी, कैरियर पे भी, दिमाग पे भी, हर जगह से इफेक्ट आएगा। कोई चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है, लिमिट से बाहर अच्छी नहीं लगती। बाकी देखो गाइस आप लोगों की ज़िंदगी है, मैं कोई भी नहीं होती कि मैं आपको रौब जमाओ थोपूँ कि आप ये काम करो ही करो। मैं हर चीज़ में यही कहती हूँ, मैं बस आप मुझे जो भी अपनी सिस्टर मान लो, दोस्त मान लो, जो भी आप मानना चाहो, मैम मान लो, कुछ भी मान लो, मैं सिर्फ समझा सकती हूँ, बाकी काम आपका है। मुझे जो चीज़ गलत लगती है तो मैं उस चीज़ को नहीं करती थी। अगर लत लग गई मान लो मुझे, फ़ोन पहले बहुत अर्न हो गया था चलाने का, मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, काम में बिजी कर लिया, कुछ और करने लग गए। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ज़्यादा फ़ोन मत चलाओ, नुकसानदायक हो सकता है। बाकी कोई कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा सीधे DM कर सकते हो। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।